everyone, welcome to Elementary Gyan. Today we are going to describe the arrangement of electrons in an atom of the element. किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज रहते हैं? As we know that an atom is made up of electrons, protons and neutrons. And protons and neutrons तो एटम के सेंटर में सिचुएटेड रहते हैं, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस. और ये न्यूक्लियस जो होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, due to the presence of positively charged protons. And we also know that electrons are negatively charged particles and they form a cloud of negative charge around the nucleus. मतलब जो positively charged nucleus होता है atom के अंदर, ये surrounded रहता है by the cloud of negative charge जो कि electrons बनाते हैं. तो इस negatively charged cloud में electrons कैसे present होते हैं या distributed रहते हैं? It can be think of as a ladder. Ladder आपने सभी ने देखी होगी. तो ladder में क्या होता है, certain distance पर rungs होते हैं या हम कह सकते हैं स्टेप्स होते हैं. तो लेडर जिस तरह से स्टेप्स में डिवाइडेड रहती है, उसी तरह से जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन होता है या जो क्लाउड जिसकी हमने अभी बात की, वो डिवाइडेड रहता है सर्टेन शेल्स में, जिनको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. इन शेल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है. तो ये जो शेल्स हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दीज शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस. मतलब कोई एटम है, उसके सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है? तो इस न्यूक्लियस के अराउंड जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, ये शेल्स में डिवाइडेड रहता है. समथिंग लाइक दिस. ये क्या है, ये इसकी शेल्स हैं और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है. एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इज काउंटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस से अगर हम काउंट करें तो ये क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, दिस इज सेकेंड एनर्जी लेवल एंड दिस इज थर्ड एंड सो ऑन. ये तो होगा फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड दिस इज सेकेंड एनर्जी लेवल, ये है थर्ड एनर्जी लेवल एंड ये है फोर्थ एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल. और इन एनर्जी लेवल्स को ही क्या कहा जाता है, शेल्स कहा जाता है. एंड शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स के एल एम एन एंड सो ऑन. तो इनको लेटर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, के एल एम एंड एन. तो मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल तो कौन सी शेल हो गई, कैथ शेल. सेकेंड एनर्जी लेवल होता है एल एफ शेल. थर्ड एनर्जी लेवल एम शेल एंड फोर्थ एनर्जी लेवल एन शेल. तो इनकी एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं या आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है. या हम कह सकते हैं कि जिस शेल के पास सबसे कम एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट होती है. और जैसे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती जाती है, जैसे एल शेल की एनर्जी के शेल से ज्यादा है तो इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होती जाती है. एम शेल की और भी ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस से और भी दूर प्रेजेंट है. तो मतलब जो हाईएस्ट एनर्जी शेल होगी वो कौन सी होगी, आउटर मोस्ट. और इस एटम के लिए जो हमने यहां रिप्रेजेंट किया है, उसके लिए एम शेल क्या है, हाईएस्ट एनर्जी शेल है, क्योंकि इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो ये तो बात हो गई शेल्स की. अब इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं? इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. मतलब सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल जो होगा, kth एनर्जी लेवल, वो फिल किया जाता है. उसके बाद हायर एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं. और इस इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को इन डिफरेंट शेल्स में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. और वी कैन से द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्टेन शेल्स इन एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इज द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन डिफरेंट शेल्स और एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। मतलब एटम के अंदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में जो शेल्स होती हैं उनमें एटम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं या अरेंज रहते हैं, उसी अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब हमें ये पता होगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे डिफरेंट शेल्स में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कहां से पता चलेगा, उस एटम के एटॉमिक नंबर से, बिकॉज हम ये जानते हैं कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर से हमें उसके उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे एटम में प्रेजेंट। एंड सेकेंड थिंग हमें पता होना चाहिए कि ये जो शेल्स हैं के एल एम एन, इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। इन शेल्स की जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की वो अलग अलग होती है। तो कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं व्हाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दीज वर गिवन बाय बोहर एंड बरी, इनको कहा जाता है बोहर बरी स्कीम, बोहर बरी स्कीम। एंड अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं ये हमें पता चलेगा एक फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला होता है 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। तो फर्स्ट रूल क्या होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² वेयर एन इज द नंबर ऑफ शेल इज काउंटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2n². तो अगर हमें फर्स्ट फोर शेल्स के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी पता करनी हो, या हमें यह पता करना हो कि इन के एलिमेंट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट शेल के लिए क्या होगी इसकी वैल्यू, के शेल होती है फर्स्ट शेल, तो इसके लिए एन की वैल्यू होती है 1 बिकॉज इट इज फर्स्ट एनर्जी लेवल। केथ शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 1, तो एन की वैल्यू 1 हम इस फॉर्मूला में रख देंगे तो क्या आएगा, 2 × 1² जो कि कितना होता है 1, तो 2 × 1 कितना होगा, इट इज इक्वल टू 2। तो के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब kth शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट शेल कौन सी होगी, k के बाद lh शेल, और lh शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2 बिकॉज इट इज सेकेंड एनर्जी लेवल, l शेल सेकेंड एनर्जी लेवल है। तो अब इस n की वैल्यू को हम यहां रख देंगे तो 2 × √2 कितना होगा, 2 × 4, तो 2 × 2 = 4 होते हैं, तो 2² = 4 है, एंड 4 × 2 = 8, तो L की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम कैपेसिटी 8, मतलब L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। इन द सेम वे M शेल की अगर बात की जाए तो M शेल के लिए N की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज इट इज थर्ड एनर्जी लेवल, तो इसके लिए N की वैल्यू हो जाएगी 3, और मैक्सिमम कैपेसिटी आ जाएगी इसकी 2 × 3² जो कि कितना होगा, 2 × 9, 9 × 2 = 18,
एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई 18 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। इन द सेम वे एन शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उसके लिए एन की वैल्यू 4 होती है बिकॉज एन इज फोर्थ एनर्जी लेवल। तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 × 2 = 32। तो ये अगेन चारों शेल की क्या आ गई मैक्सिमम कैपेसिटीज। अब इनको हम इस जो एटम हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है यहां लिख देते हैं। kth शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। lth शेल की है 8, तो l शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं एंड n शेल में 82 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल क्या होता है? सेकंड रूल जो बहुत बड़ी स्कीम का है वो क्या कहता है कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, इवन इफ उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा रखने की हो तब भी। क्या होगा सेकंड रूल? सेकेंड रूल, द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ it can accommodate 1 more electrons। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर मैं बात करूं m शेल की, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है या हम कहें उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में फिल किया जा रहा है उसका आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो किसी भी एटम की अगर आउटर मोस्ट शेल m है तो उस m शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, जबकि उसकी कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, तब भी उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल क्या होता है? थर्ड रूल हमें ये कहता है कि एटम में जो शेल्स होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टेप वाइज मैनर में। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल में, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में फिल किए जाएंगे। जब तक जो इनर शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल नहीं हो जाती हैं, तब तक जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हायर एनर्जी लेवल्स में फिल नहीं होंगे। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट occupy a new shell unless all the inner shells are completely filled। इसका क्या मतलब होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो के शेल में करेंगे, उसके बाद एल शेल में हम जाएंगे, देन एम शेल फिल की जाएगी, उसके बाद एन, देन ओ पी एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल कोई एटम है हमारे पास जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो उस एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? सबसे पहले हम के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और के शेल की कैपेसिटी हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 12 में से के शेल में फिल कर दिए तो कितने बचे उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 में से हमें अब नेक्स्ट शेल कौन सी आएगी एल शेल, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने की, तो 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में फिल कर दिए जाएंगे। एंड देन वी मूव टू
द नेक्स्ट शेल दैट इज एम शेल. अब हमारे पास कितने रिमेनिंग है, टू इधर फिल कर दिए, एट यहां कर दिए, तो कितने बचे, 12 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो 2 ही बचे. अब 2 ही इलेक्ट्रॉन इस एम शेल में फिल कर दिए जाएंगे. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है. For example, we have to write the electronic configuration of chlorine atom. हमें क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. Write down electronic configuration. इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है EC, electronic configuration of chlorine atom. ठीक है, हमें क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है. तो सबसे पहले हमें फर्स्ट थिंग क्या पता होना चाहिए, हमें क्लोरीन एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें उसके एटॉमिक नंबर से पता चलेगा. और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन के लिए जी की वैल्यू कितनी होती है, 17. और क्योंकि ये एटम की बात कर रहा है हमसे, आयन की बात नहीं कर रहा है. अगर आयन बोला होता तो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, तो क्योंकि ये एटम है तो न्यूट्रल है, और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे, दैट मींस उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा. तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 17 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब हमें ये पता चल गया 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन शेल्स में, के एलिमेंट में. ठीक है, तो इनको कैसे करते हैं, हमें वो रूल्स फॉलो करने होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए थे, बहुत बड़ी स्कीम वाली. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे लोएस्ट एनर्जी लेवल में, जो की होती है केथ शेल, एंड देन एल शेल में, उसके बाद एम शेल में. ठीक है, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सबसे पहले कैथ शेल में फिल करेंगे, क्योंकि कैथ शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की. तो कैथ शेल में हम डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैथ शेल में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितने बचे, 17 - 2 = 15 इलेक्ट्रॉन्स बचे. अब हमें जाना है नेक्स्ट शेल में. नेक्स्ट शेल कौन सी है, एलेक्ट शेल. एलेक्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं. तो 17 में से 15 हमारे पास बचे हैं, और 15 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स कहां डालेंगे, एल शेल में. ठीक है, तो अब हमारे पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में चले गए, 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में चले गए. ये कंप्लीटली फिल हो गई हैं दोनों. अब बचे हैं हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, 17 - 10 7 इलेक्ट्रॉन. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होगा नेक्स्ट शेल में. नेक्स्ट शेल कौन सी है, एम शेल. इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की, बट यहां पर आप देखिए ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते हैं. और क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इस एम शेल में फिल कर दिए जाएंगे. तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन एटम. क्या हुआ, 2, 8, 7. इसका पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. 17 इसमें प्रोटॉन्स हैं, जो कि इसके एटॉमिक नंबर से पता चल रहा है, और इसमें 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं. जनरली इसका एटॉमिक मास जो होता है या मास नंबर होता है वो 35 होता है. तो 18 इसमें न्यूट्रॉन हो गए. अब इसमें कितनी शेल्स प्रेजेंट है, 1, 2, 3 KLM. अब इन 3 शेल्स को हम इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं.
ठीक है, तो ये हो गई के एल एम शेल, दिस इज कैथ शेल, दिस इज एल एच, दिस इज एम शेल। के शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टू इलेक्ट्रॉन्स यहां फिल कर दिए। एल शेल में है एट इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली फिल्ड है ये दोनों। सिक्स सेवन एंड एट, ये दोनों कंप्लीटली फिल हो गई, टू इसमें हो गए, एट इसमें हो गए, रिमेनिंग सेवन जाएंगे एम शेल में। एम शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। तो ये हो गया क्लोरीन एटम का रिप्रेजेंटेशन। इन दिस वे किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स गिवन बाय बोहर एंड बेल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से इन शेल्स में या एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।